उन्होंने अच्छी पार्टी थी उनके साथ, बिल्कुल फैज अली फैज जो है ना, कजन है मेरा जी, उनके साथ। उसके बाद फिर भाई बदर मियां दाद के साथ मैंने बहुत बहुत टाइम गुजारा। अच्छा जी, बिल्कुल 7-8 साल मैं उनके साथ, उनके साथ संगत किया। जी बिल्कुल संगत की। अच्छा, माशाल्लाह। और तमाम मुल्क जो है ना उनके साथ ही देखे हैं। कहाँ गए आप? बिल्कुल कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, हॉलैंड, बहुत कंट्री। अभी रिसेंटली भी आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गए थे, तो वो बिल्कुल किसके साथ गए? बिल्कुल बिल्कुल हामिद साहब के साथ गया। ये हमारे जो नौजवान अहमद अली नकीबी, नकीबी साहब जो के इधर के हैं जी जी, नौजवान ग्वाल हैं। बिल्कुल बिल्कुल यंग। तो आपका उनके ग्रुप के साथ क्या ताल्लुक है? जी वो एक तो जो है ना मैं उनको सिखाता भी रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो दूसरा के साइड समझ लो के दूसरे जो है ना हारमोनियम पे जी जी साथ मैं संगत करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो वो भी माशाल्लाह बड़ा प्यार करते हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं। आपका हमारे जो नौजवान नाथखान हैं यहाँ पे साथी आफज मोहम्मद अनवार जहली साहब, इनके साथ भी काफी गहरा तल्लुक है। बिल्कुल बहुत ज्यादा जी। तो आप ये तो मेरा भाई भी है छोटा। ये तो मेरा छोटा भाई भी है जी। अच्छा, अच्छा। इनके साथ तो हाफिज साहब कह रहे हैं कि उस्ताद है मेरे। उस्ताद का खैर नहीं, मैं तो इनको जो है ना बिल्कुल छोटा भाई समझता हूँ। जब ये पढ़ते हैं या हामिद पढ़ते हैं या दीगर और भी लोग जिनको आप सिखाते हैं जी, तो जब वो पढ़ते हैं तो आपको कैसा लगता है? जी बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेहनत नजर आती है ना। तो अच्छा, फिर अगर कोई इतना अच्छा नहीं करता तो फिर बहुत बुरा भी लगता है। अच्छा, तो आपका म्यूजिक टीचिंग के साथ ही ताल्लुक है? मैनचेस्टर में आप कोई सिखाते हैं? जी हाँ जी बिल्कुल, मैं काफी शिक्षक के साथ है। ये प्राइवेट है या कैसे? नहीं नहीं बिल्कुल प्राइवेट ही है। अच्छा, हाँ जी दोस्त है वो मुझे हाँ जी ले जाते हैं हाँ जी घर में, तो अच्छा, लेसन वगैरह देकर फिर अच्छा, मैं आ जाता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ऐसा बस निजाम चल रहा है बस, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सईद भाई आपसे कुछ कोई बड़ी अहम बात पूछना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल जरूर। नदीम भाई, अभी ब्रेक से पहले हम ग्रेट पाकिस्तान की बात कर रहे थे जी, और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब मरहूम अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो पाकिस्तान को ग्रेट बनाने वाली शख्सियात में से एक। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। और उस्ताद भी बहुत बड़े, यकीनन दुनिया उनको मानती थी। बिल्कुल। और आप इस वक्त माशाल्लाह हमारे साथी अनवार के भी उस्ताद हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान मरहूम साहब की शफकत और उनकी सरपरस्ती जो आपके साथ आप जैसों के साथ रही, बिलवास्ता या बिला वास्ता, उसका कोई वाकया बताएं कि किस तरह उन्होंने कोशिश की कि आपके अंदर भी कोई बात आए, आपके वालिद मरहूम ने कोशिश की आप? जी बिल्कुल, अपने वाल साहब से मैंने जो ज्यादा जो है ना वाल साहब के साथ टाइम गुजारा है, और क्योंकि खान साहब के पास तो टाइम ही नहीं था बिल्कुल उस टाइम, क्योंकि ऐसा दौर था कि जिन्होंने होटल में आते थे, पायलट होटल में ठहरते थे अमूमन, लेकिन वो उनके पास जितने भी आर्टिस्ट होते थे बस सब उनको पता चल जाता था कि खान साहब आए हुए हैं, तो उन्होंने तमाम जितने भी आर्टिस्ट हैं सब आ जाते थे। वो उनके पास सिखाने का टाइम तो बहुत मुश्किल था। कभी शो से पहले कोई मशक होती थी जिसके अंदर कोई कभी कभी उनकी नजर पड़ जाती थी किसी बात पे? हाँ बिल्कुल, वो तो उन्होंने रिहर्सल वगैरह जो ऐसा कि कोई भी अगर चीज नई है ना तो उसकी प्रैक्टिस बकायदा उन्होंने आप आज बताते थे कि जी ये शेर जो है आपने कहना है, ये दूसरी लाइन जो है आपने कहनी। जी ना इंसान बहुत अच्छे थे जी, कुछ थोड़े से उनके बारे में बिल्कुल, क्योंकि वो हर आदमी के साथ बहुत जो है ना प्यार के साथ पेश आते थे, क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है ना नर्म तबीयत का होता है, उसमें कुरखतपन नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल है जी। तो वो डरता है कि यार इससे भी दुआ लेनी है, आपसे भी दुआ लेनी है, क्योंकि ये काम जो है ना दुआओं का है, इसमें ये नहीं है कि बेदब आदमी की इधर कोई भी जगह नहीं है, नफरत नहीं है, बिल्कुल बादब जो है ना बादब होना ये जरूरी है। तो इसलिए वो डरते थे कि यार जी एक आदमी ने ये सवाल किया है, मैंने यार पूरा करना है, क्योंकि इससे शायद दुआ लग जाए मुझे और मेरी जो सख्ती है वो दूर हो जाए, ऐसा निजाम था। ये बात आपकी वजह है क्योंकि मुझे भी उनसे दो दफा मिलने का इत्तेफाक हुआ था, बड़ी जिसे कहते कलील सी गुफ्तगू हुई थी जी। लेकिन सामने के तौर पर एक दफा मैं एक प्रोग्राम में नॉटिंघम में था,
बहुत करीब बैठे होते, ब्रेक में उनसे बात करने का मौका मिला, बहुत ही मुख्तसर, लेकिन यकीन उनकी बड़ाई ये थी कि उनमें बहुत इंकसारी थी। बेशक हम इंशाल्लाह एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मैं चाहता हूँ कि आप और आफत साहब अगर मिलकर हमें कोई कलाम सुनाएं। जी जरूर, कोई क्वाली की शक्ल में हो जी जरूर, और अगर हम साथियों को भी मौका देंगे तो हम भी शामिल हो जी। ठीक है जी, ठीक जरूर। तो साबिन आप सुनते रहें और इस ब्रेक के बाद